हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर मोटोरोला मोबाइल के कीबोर्ड पर किसी भी प्रकार की टाइपिंग वाली प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे 100% ठीक करें। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। तो देखिए, सेटिंग को हमने ओपन कर लिया। सेटिंग में आने के बाद आ जाना है थोड़ा नीचे और यहाँ पर एक ऑप्शन खोजना है ऐप मैनेजमेंट या ऐप्स का। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा ऐप मैनेजमेंट या मैनेज ऐप का, तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सभी ऐप आ जाएंगे। अब आपको आ जाना है थोड़ा नीचे। यहाँ पर जैसे थोड़ा नीचे आएंगे तो जी बोर्ड मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जी बोर्ड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा। ये सेटिंग आपके फ़ोन में ऊपर या नीचे थोड़ा हो सकती है, तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्लियर डेटा पे क्लिक करना है, फिर ओके कर देना है। ओके करने के बाद बैक आना है। अब ऊपर देखिए फोर्स स्टॉप का एक ऑप्शन मिलेगा, फोर्स स्टॉप पे क्लिक करना है और फोर्स स्टॉप कर देना है। इतना करने के बाद बैक आना है। अब देखिए, अगर यहाँ जीबोर्ड सर्च करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है खोजने में, तो आप ऊपर सर्च बार में क्लिक करके अगर लिखेंगे, देखिए कीबोर्ड सही हो चुका है, जीबोर्ड लिखेंगे तो भी आ जाएगा। इस पर क्लिक करके भी आप यहाँ से क्लियर डेटा कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद बैक आते हैं। अब देखिए गाइस, सेटिंग में आने के बाद अगर ऐप मैनेजमेंट वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा तो फिर आपको क्या करना है। ऊपर आप सर्च बार में क्लिक करके ऐप लिखेंगे तो यहाँ पर आपको ऐप मैनेजमेंट या ऐप्स मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके भी आप यहाँ से जीबोर्ड को क्लियर डेटा कर सकते हैं। तो गाइस, इतना करने के बाद मोबाइल के होम स्क्रीन पे आना है और अब हम फिर से सेटिंग में चलते हैं। और यहाँ पर देखिए, हम कीबोर्ड को ओपन करते हैं सर्च बार में क्लिक करके। तो देखिए कीबोर्ड सही हो चुका है। अब अगर ऑटो करेक्शन में प्रॉब्लम आती है, लिखते कुछ और हैं और जैसे ही स्पेस प्रेस करते हैं तो यहाँ पर कुछ और लिखा जाता है, तो फिर आपको क्या करना है, सेटिंग में आना है। सेटिंग में जाने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए सिस्टम सेटिंग्स या एडिशनल सेटिंग। तो आप अपने फ़ोन में चेक कर लेना, सिस्टम सेटिंग या एडिशनल सेटिंग मिल जाएगा। इस पर क्लिक करना है, फिर आपको कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड पे क्लिक करना है। कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जीबोर्ड मिल जाएगा, जीबोर्ड पे क्लिक करना है तो यहाँ पर आप आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट करेक्शन का, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑटो करेक्शन, आपको इसे बंद कर देना है। जैसे ही बंद कर देंगे, अब जो आप लिखेंगे वही टाइप होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप चाहें तो सेटिंग में जाने के बाद सर्च बार में अगर लिखेंगे कीबोर्ड तो भी आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड वाला। इस पर क्लिक करके भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो गाइस, इस तरीके से आप अपने कीबोर्ड को 100% फिक्स कर सकते हैं। तो आज के दिन बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।